कॉमर्शियल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। देखो ऐसे याद रखो, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी इज किलो वाट आवर्स, किलो वाट आवर। ठीक है, जब देखो कैसे होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या पावर को आप कह सकते हैं क्या, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, कल पढ़ा था, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये एनर्जी क्या होती है, जूल, यानी कि जूल बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड। वाट मतलब की क्या, पावर, सेकेंड मतलब की क्या, टाइम। बड़ी यूनिट हमने क्या निकाली, किलो वाट आवर, यानी वाट की गणना कर दिया किलो वाट, और सेकंड की गणना कर दिया क्या, आवर। ये बड़ी यूनिट है एनर्जी को मेजर करने। ठीक भाई, ये वाट सेकंड जो जूल्स में आता है बहुत छोटी यूनिट होती है। आप जानते होंगे कि आप भी प्रोटीन का डाइट लेते हैं तो एनर्जी जूल्स में क्रिएट होती है, इतने किलो जूल्स। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज रिलेटेड स्टैंड अप, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री। हीट पूछ रहा हूं डिग्री में आएगी, हीट डिग्री में आता कि टेम्परेचर डिग्री में आता। फिर हाँ भाई, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिलेबस में है कि नहीं, पहले इतना डालो बता भाई, फ्यूजन ऑफ वाटर। अरे वैल्यू बोल दे भाई, वाटर 100 डिग्री ना बोलियो मुझे, ये ना समझाना कि लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आई एम आस्किंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वैल्यू बता दे। सेल्सियस में आती है हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो काय में आएगा, तो सेल्सियस में निकाल ला, पर हो सही नहीं है, टेम्परेचर है कि हीट है, टेम्परेचर 90 डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। फ़ारेनहाइट में नापो, सेल्सियस में नापो, केल्विन में नापो, किसने मना किया, एनर्जी नापने लगेगा। तेरे घर से यहां मॉर्निंग स्टार तक की दूरी 2 सेकंड की है, फिर कितने सेकंड की है, ना 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 सेकंड में निकाल, जैसे तू हीट निकाल ला डिग्री में। हाँ भाई, 100 किलो, 100 जूल्स, हाँ सारांश परिवार, 25 जूल्स। किसी को भी पता है क्लास में व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, यानी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर, टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। फिक्स वैल्यू होती है 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 किलो जूल्स पर सेंटीग्रेड। थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ो। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी नहीं पता, जरा पढ़ के आना। ठीक, नहीं होगा तो हम तो बताने के लिए है यहाँ, बैठ जाइए। तो यहां पर ज्यादा बड़ी यूनिट के लिए वाट के लिए आपने क्या मान लिया, किलो वाट, और सेकंड के लिए क्या मान लिया, आवर्स। तो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है क्या, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 1 किलो वाट आवर कितने जूल्स के बराबर होगा। ठीक, तो देख लीजिए 1 kWh, 1 किलो वाट आवर। ठीक, तो 1 किलो वाट आवर को आप लिख ले 1 किलो वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, 1 किलो वाट आवर को 1 किलो वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। ठीक, हम ये बात जानते हैं, वाट सेकंड को आप क्या कहते हैं, वाट सेकंड को, वाट मल्टीप्लाई बाई सेकंड या वाट सेकंड को क्या कहते हैं आप, जूल्स, क्या कहते हैं, जूल्स। ठीक,
तो अरे किलोवाट को आप कन्वर्ट करने वॉट में, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, एंड 1 आवर इक्वल टू हाउ मच, 3600 सेकंड, सो इट इज हाउ मच 3600, और 3 जीरो और लगा दिए, इतने वॉट सेकंड, एंड वॉट सेकंड इज वॉट जूल्स. So 1 kilowatt hour is equal to what? 3.6 multiply by 3 or 2 5 or 8 point or yahan liya kitni power hai? 10 ki power 6. Jaan gaye? भाई हमें ये निकालना था 1 के, देखो हमने क्या निकाला है, कमर्शियल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, तो हमने उसका नाम दिया किलोवाट आवर. क्या नाम दिया? भाई ये किलोवाट है पावर, और आवर क्या है? टाइम. और पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम जब भी होती है तो क्या निकलती है आपकी? एनर्जी बार वाट. ठीक, तो जरा हमने एसआई के फॉर्म में देखा, तो एसआई के फॉर्म में अगर हमने देखा सिस्टम इंटरनेशनल, जूल्स बराबर होता है वाट इनटू सेकंड. अब हमें कन्वर्ट करना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे. ठीक, वी हैव टू कन्वर्ट व्हाट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स. तो सिंपली हमने लिखा 1 किलोवाट को लिख दिया 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, 1 किलोवाट को 1000 वाट, और 1 आवर को क्या लिखा 3600 सेकंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये यूनिट्स का भी मल्टीप्लाई किया, तो यूनिट में आ गया क्या, ये आ गया 365 टाइम्स 0 वाट सेकंड. सो वाट सेकंड इज रिटन एज जूल्स, सो इट इज व्हाट 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल्स, दिस इज 1 किलोवाट आवर. कई बार आपसे बोर्ड में, क्योंकि ये 10th क्लास में भी है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, एक आपके घरों पे शायद बिजली के बिल जो मीटर आते हैं अभी कहते नहीं 2 किलोवाट का कनेक्शन है, देखते हो ना, आप कहते एसी लगा है तो वो कहता है 1 किलोवाट का कनेक्शन और लो, कहता है नहीं कहता, तो वो जो 1 किलोवाट या किलोवाट कह रहा है वो किलोवाट आवर है. अगर आप देखेंगे तो मीटर पे लिख के भी आता है KWH, वो क्या ना इतने यूनिट्स. आप कहते ना 120 यूनिट चल गया, तो यूनिट मींस व्हाट, किलोवाट आवर. पूरी कमर्शियल यूनिट मेजरिंग एनर्जी की क्या है? किलोवाट आवर. इसे आपको भी जो बिल बिजली का बिल आता है 7 रुपए पर यूनिट है, तो 7 रुपीस पर यूनिट मींस 7 रुपीस पर किलोवाट आवर. अगर आपके घर में मान लीजिए 140 यूनिट बिजली खर्च करी, मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया, ऐसे बिल निकालते हैं बिजली का, आप इसको नोट कर लो, फिर बिजली के बिल वाला क्वेश्चन देते हैं.